हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 6 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए उर्दू का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। ये फाइनल सेट है और साथ ही ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करेंगे प्रश्न और उसके आंसर। यहाँ पर आप लोग सवाल नंबर 1 देखिएगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के हाथी का नाम क्या था? तो मौला बख्श। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो शहीद पीर अली को कहाँ फांसी दी गई थी? तो पटना में, पटना के गांधी मैदान में। अगला क्वेश्चन है, नज्म बरसात की किस शायर ने लिखी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दाल, इस्माइल मेरठी ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे खाली जगहों को पढ़ करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काबुली वाले का नाम रहमत था, दूसरी जंगे अजीम 1939 ईस्वी में छिड़ गई। अगला यहाँ पे आप लोग को कॉलम बी से के साथ मिला देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग हाजतमंद का ज़रूरतमंद यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद कीमत का हो जाएगा दाम, जुनून का हो जाएगा पागलपन, उसके बाद है शाख का हो जाएगा टहनी, और जैसत का हो जाएगा ज़िंदगी। इस तरह से आप लोग इसको मिला लेना है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो दर्जा जेल जुमलों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। कंजूस की ज़िंदगी का मकसद गरीबों की मत करना था, तो ये हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद है, कंप्यूटर काम की चीज़ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, तो ये सही है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो मंदरजा जेल सवालात के जवाब दीजिए। गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। अगला है, काबुली वाले को जेल क्यों भेजा गया? तो झूठा केस कर करके उसे जेल भेज दिया गया था। गंगा नदी किस देश में बहती है? तो हिंदुस्तान में बहती है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का ज़माना कितना था? लगभग 2 साल 5 महीने तक। अगला है, दर्जा जेल अनवान में किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो एक हो गया बैल, दो हो गया गाय, तीसरा हो गया ईद। तो गाय पे यहाँ लिखा गया, गाय एक चार पर वाला जानवर है, गाय हमारे बहुत काम की चीज़ है, यह हमें दूध देती है जिससे बहुत सी चीज़ें तैयार होती है, गाय निहायत ही सीधी होती है, यह रोटी चोकर घास वगैरह खाती है। तो इस तरह से आपका यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।